लिखकर आपके समक्ष। तो हाय लिखकर सेंड कर दीजिए जो जो लोग जुड़ चुके हैं। शुभम बना जी हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हिमांशु जी गुड इवनिंग। हर्षा चौहान हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सादर प्रणाम नमस्कार और सभी को हैप्पी नवरात्रि अगेन, एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। सुन पा रहे आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जो लोग पहली बार से जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये हमारी सीरीज चल रही है टॉप 1500 MCQ की साइंस के, जो कि RRB NTPC ग्रुप डी जेल प्रेरी और MP की जितनी भी एग्जाम होने वाली है जिसमें साइंस पूछे जाता है और जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें साइंस पूछा जाता है उसके उन सभी के लिए सेम समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से एक दो सेकेंड का समय निकालकर पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ हम शेयर कर चुके हैं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक 10 सेकेंड हम रुकते हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं उन्हें जुड़ने देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? प्रिंस वाजपेयी जी सॉरी सर नेट नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, नेट चल जाएगा, नेट का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए चलिए कर दिए पहले ही, वेरी गुड, थैंक यू सो मच रंजना जी। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, दो धनात्मक आवेश के बीच के बल का क्या होगा यदि वह मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है? मतलब कि दो धनात्मक आवेश को अगर एक दूसरे के पास है और वो मुक्त है तो उनके बीच में लगने वाले बल का क्या होगा? बल बढ़ेगा, घटेगा, बल वैसा ही रहेगा, या फिर बल घटना चालू होने से पूर्व अधिकतम तक पहुंचने के लिए बढ़ेगा? ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन होगा? हमारी ऑनलाइन क्लास कहाँ है? मिलती नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास आपको क्यों नहीं मिल रही है? लाइव क्लास हम शेड्यूल कर देते हैं, आपको जरूर नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन सारे आएंगे। ठीक है, ए आप लोग बोल रहे हैं बल बढ़ेगा, ए ए ए, कौन कौन ए बोल रहा है? रंजना जी ए ऑप्शन दे रही है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो बी होगा। अगर दो हमारे पास में धनात्मक आवेश है और उनको पास में लाया जाए तो उनके बीच में जो बल है वो घटेगा, बढ़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बल घटेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या, वह सब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो यहाँ पे बल घटेगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, लेकिन आप समझिए कि प्रोटॉन का कौन सा गुण ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति अगर वो कर रहा है तो परिवर्तित नहीं होगा? स्पीड, वेलोसिटी, संवेग या फिर गति तथा वेग, दोनों, क्या इसका सही आंसर होगा? स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, संवेग होगा और गति या वेग दोनों होगा, क्या इसका सही आंसर होगा? ए बी सी या डी। हेलो प्रवीण, हेलो हिमांशु जी, सेम रहेगा, सेम चार्ज नहीं होगा, वहां घटेगा। ठीक है, बल का पूछा था उन्होंने, फोर्स का, चार्ज नहीं बोल रहा है वो। प्रवीण जी, जी डी ऑप्शन आप बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हैं, गति तथा वेग दोनों नहीं। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, उसका सही आंसर है गति, स्पीड। तो किसी प्रोटॉन को, एक पर्टिकुलर प्रोटॉन का कौन सा गुण है यहाँ पे पूछा गया था जो चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? तो स्पीड जो है प्रोटॉन की वो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी मोमेंटम चेंज होता है, और ये इसका सवाल नहीं होता क्योंकि ये दोनों ही सदिश राशि है, तो ये दोनों चेंज होती है, बाकी गति चेंज नहीं होती। ठीक है, तो गति यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली प्रवीण। ठीक है प्रवीण, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि घटेगा कैसे, तो किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो कूलम ने बताया था F=1/4π0Q0R2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने दूरी को क्या किया, बढ़ा दिया, दूरी को कम कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली देखिए, यहाँ पे फोर्स अगर देखें तो वो बढ़ना चाहिए। दूरी यहाँ पे कम किया है या बढ़ाया है, क्या क्या बोला था क्वेश्चन में? दो धनात्मक आवेश के बीच बल क्या होगा? वह सब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। आपने दूरी को क्या किया? कम कर दिया। कम कर दिया तो यहाँ पर बल बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसमें बल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कूलम्ब के लॉ के अकॉर्डिंग ये बल बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है वो त्रुटि हो गई है, उसे सुधार लीजिएगा, ए ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? मैं उसे क्षमा चाहूंगा, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है ना, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को आप बताइए फटाफट से, आप थर्ड वाले का आंसर बताइए, ए बी सी या डी। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, हाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा यहाँ पे लाउडनेस ज्यादा है, ठीक है। माता जी का पांडाल लगा हुआ है तो हो सकता है बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा हो, ठीक है। थर्ड ए ए ए सी तुक्का, प्रवीण बोल रहा है सी तुक्का। देखो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके सीरीज में आपको एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़कर हम उसे वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर हम गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से सही आंसर इसका बताइए, कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? ए बी सी या डी, एनरिको फर्मी, एडॉल्ट गैस्टन, यूजेस फिन, या फिर सेडफोर्ड फ्लेमिंग, या फिर बेनोइट फॉर्नी रॉन, क्या इसका सही आंसर होगा? बड़े टेढ़े मेढ़े से नाम है, शायद आपने पहली बार ये क्वेश्चन को देखा हो। ए बी सी या डी, तुक्का बकायदा आगे के बी तुक्का ए तुक्का, ठीक है। शुभम बना जी आप बी बोल रहे हैं, अंजलि जी थ्री का ए, आप थ्री नहीं है, फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया है, फोर्थ वाले का आंसर बताइए। सर ये क्वेश्चन नोट भी करना है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं जितना ज्यादा आप याद रख सके। बाकी आप वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं तो विजन्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाएगी इसमें, ये गारंटी है, ठीक है। आरती जी नो आइडिया, सी। शुभम बना जी आप सी बता रहे हैं, रंजना जी सी ऑप्शन बता रही है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किया था, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार जो है एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तांबा, चांदी, जस्ता और सीसा। सिंपल क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, सिंपल प्लस इंपॉर्टेंट, क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी, तांबा, चांदी, जस्ता या सीसा। बी 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 चांदी, ठीक है। तो जो लोग बी बोल रहे हैं, अनूप जी बी बोल रहे हैं, काना जी, राधा जी बी ऑप्शन, रंजना जी बी ऑप्शन, तो चांदी बिल्कुल सही है। चांदी की जो चालकता होती है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। चांदी का जो सिंबल होता है दैट इज Ag। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किसने किया था? भैया विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। माइकल फेराडे, ग्लू, देखिए नाम ही ऐसा है, गुलियेल्मो मार्कोनी, उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइजैक न्यूटन, क्या इसका सही आंसर है? कभी कभी टंग ट्विस्टर आ जाते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम किसने खोजा था? ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। मार्कोनी आप बोल रहे हैं, मार्कोनी तो रेडियो का आविष्कारक था, मार्कोनी नहीं होगा। उसके बाद में प्रवीण बोल रहा है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ए भी आ रहा है बहुत सारी जगह से, ज्योति जी, लोधी जी आप ए बता रही हैं, हर्षा चौहान ए, रंजना शर्मा जी ए, बंटू रानी लोधी ए आप बता रही हैं। इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अल्टीमेटली विद्युत आवेश के संरक्षण का जो नियम है
वो किसने खोज किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, तो शायद अगर हम डोर वगैरह क्लोज करें कुछ तो शायद फर्क पड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, इसका मतलब जब भी हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, तब आपको बताना है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कुछ नहीं। आपको क्या करना है, ये रेजिस्टेंस जो है इनको ऐसे सीरीज में लगाना है। मान लो ये तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगा, कम होगा या समान रहेगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए, रंजना शर्मा जी आप ए बता रही है, प्रिंस जी ए, प्रवीण बी बता रहा है घटेगा। ए बी सी या डी? सेवन का बताइए, सेवन ए, सेवन बी, सेवन सी, सेवन डी। हिमांशु जी आप बोल रहे हैं सेवंथ का ए। शुभम बना, नो प्रॉब्लम सर जी, जय माता दी। ओके थैंक यू सो मच शुभम बना, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, थोड़ा सा वॉइस एक्स्ट्रा है था। ए ए ए ए बी, आप भी इंजॉय कीजिए, डांडिया चल रहा है बाहर आई थिंक। ए तो ठीक है, जो भी लोग बोल रहे हैं ए वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे दो केस होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का, और एक समांतर क्रम संयोजन होता है यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन, और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को बनाते हैं यानी कि लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलता है वो सभी का सम के बराबर मिलता है, R1 + R2 + R3। और अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे इस तरह से पैरेलल में जोड़ेंगे, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, और ये आपका R3 हुआ, और इस तरह से आप इसको कनेक्ट कीजिए बैटरी से, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से बनेगा वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि उनके रेसिप्रोकल का, सभी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम का योग बनता है। ठीक है, तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीजें खुल चुकी है यहाँ पे, और कितनी बार आई डोंट नो, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, हो गया। तो यहां सेवंथ वाला है, इसका क्वेश्चन आएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, फैंटास्टिक, बहुत शानदार। विक्की जाटवा आ गया, शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, चलने दो। निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है, इनमें से कौन भाई तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है, यानी कि जो वायर रहता है उसके रेजिस्टेंस पे कौन इफेक्ट करता है। थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, नॉइज आ रहा है सब दूर से, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आज आप प्लीज मैनेज कीजिएगा। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन तार प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है, रेजिस्टेंस पे किससे इफेक्ट पड़ता है, वायर के रेजिस्टेंस पे इनमें से किससे इफेक्ट पड़ता है, प्रतिरोधकता का इफेक्ट पड़ता है, तार की लंबाई का पड़ता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का पड़ता है, या सभी विकल्प सही है, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग मिशन IPS प्रीति रैकवार, ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। एट का डी बोल रही हैं, विक्की डी बोल रहा है, अनुप जी ए बोल रहे हैं, उसके बाद में शुभम बना आप डी बोल रहे हैं, हिमांशु अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डी, ओके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप डी बता रहे हैं, ठीक है भैया मान लेते हैं। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चालक के रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की बात करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब कि चालक का जितना लंबाई होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, L फॉर लंबाई, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। दूसरी चीज, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इन दोनों को ज्वाइन करके हम लिखें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आएगा, और यहां से R ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये रो L बाय A आता है, और इस रो को बोला जाता है रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो आप देख रहे जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता गुणांक में आ रही, मतलब इस पे भी डिपेंड कर रहा है, चालक की लंबाई L पे भी डिपेंड कर रहा है, और यहां देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो क्षेत्रफल पे, लंबाई पे, प्रतिरोधकता पे, सब पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, मतलब कि
निरूपित नहीं करता, ध्यान से पढ़िएगा। देखो ये नहीं फंसा हुआ है बीच में, इसको ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी नहीं बहुत बुरी दिक्कत देता है एग्जाम में, पता है। ये नहीं हमेशा मुझसे कभी कभी समस्या होती थी, नहीं हमेशा पढ़ने में नहीं आता है। जब भी हम पेपर वगैरह क्वेश्चन करते नहीं पढ़ने में नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं को जरूर पढ़िएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ये बताइए। ये इसका मतलब लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर, इसका मतलब लिखा हुआ है आर, सॉरी आई आर स्क्वायर, थर्ड लिखा हुआ है वी इंटू आई वोल्टेज इंटू करेंट, और फोर्थ है वी स्क्वायर बाय आर। तो आपको बताना है कौन सा पावर को डिनोट नहीं करता है, इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, ये बता दीजिए। चलिए फटाफट से बताइए, ए बी सी और डी, जल्दी से बताइए क्या होगा ऑप्शन। पावर का कौन सा नहीं है, मतलब पावर को कौन नहीं बता रहा है, सी तुक्का, वोल्टेज इंटू करंट जो होता है वो पावर होता है, तुक्का गलत, सी वाला गलत है। विभव जो होता है किसी परिपथ में शक्ति को बताता है, ये तो सही है, ये तो हमारा किरचॉफ का लॉ भी है, समेशन वी आई इक्वल टू जीरो होता है किसी क्लोज लूप में। बी तुक्का, रंजना शर्मा जी आप बोल रही हैं बी तुक्का, ठीक है भैया बी तुक्का आप बोल रही हैं, और बी तुक्का। उसके बाद में अंजलि जी ए बता रहे हैं, विक्की ए बता रहा है, उसके बाद में कानाजी राधा जी आप बी बता रही हैं, विक्की जाटवा ए, कोई बताओ सही आंसर बताओ, बी बी आई आर स्क्वायर। हाँ तो बिल्कुल आपका जो बी ऑप्शन आप दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। पावर जो होती है वो आई स्क्वायर आर होती है, वी इंटू आई भी होती है और वी स्क्वायर बाय आर भी होती है। एक्चुअल में शक्ति जो होती है किसी भी विद्युत परिपथ में वो विभव और धारा का गुणनफल होती है, यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वोल्टेज या और करंट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो पावर होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो वाट होती है, क्या होती है इसकी यूनिट, वाट, डब्ल्यू ए डबल टी। ये वाट जो है वो जेम्स वाट के नाम पे रखी गई है इसकी यूनिट, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये कैसे फॉर्मूले आए हैं जरा ध्यान से देखिए, वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, इस वी का मतलब आई आर होता है ओम के नियम के अनुसार, तो वी इक्वल टू आई आर, और आई का और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो देखिए आई स्क्वायर आर तो आ गया पावर का फॉर्मूला ही है, तो आई स्क्वायर आर वी इंटू आई भी पावर का फॉर्मूला ही है, और अगर मैं इस आई को यहां से हटा दूं तो वी इक्वल टू आई आर, आप देखिए वी इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो क्या आएगी V बाय आर, इस V बाय आर को उठा के आप यहाँ I की जगह पे रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा V इंटू V बाय आर, तो आप देखेंगे क्या मिल गया V स्क्वायर बाय आर। तो देखिए V स्क्वायर बाय आर भी मिल गया, V I भी मिल गया और I स्क्वायर आर भी मिल गया, सिर्फ ये ही नहीं मिलेगा, यही गलत है, तो B वाला ऑप्शन गलत होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं भी होगा तो आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम की ओर को धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। पश्चिम की ओर कोई कण जा रहा है और वो प्रक्षेपित कण कैसा है, धन आवेशित, तो पॉजिटिव चार्ज पश्चिम की ओर जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। अब इस पे कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा होगा और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपसे पूछिए, अगर ये किसकी तरफ विक्षेपित हो जाता है, उत्तर द्वारा, ये उत्तर की ओर ऐसे विक्षेपित हो जाता है, चुंबक की दिशा बताना, चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताओ आप, दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी होगी या ऊपर मुखी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए क्या होगी। यही बात भी कर लोगे बेटा तुम दोनों, ठीक से करो आंसर बताओ फटाफट से। ज्योति बघेल हेलो, हेलो ज्योति बघेल, विक्की ए बता रहा है दक्षिण की ओर, बेटा दक्षिण की ओर नहीं होगी। शुभम बना जी आप बोल रहे हैं ए दक्षिण की ओर नहीं है, ए ऑप्शन गलत है, आप बताओ क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देखिए ना, ये जो प्रोटॉन है वो ऊपर, धनावेश जो भी कण है वो ऊपर की तरफ विक्षेपित हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, ऊपर की तरफ ही होगी, मतलब अपवर्ड होगी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अपवर्ड, ऊपर की ओर, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये ऊपर की ओर होगी, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, जो जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, हिमांशु जी बिल्कुल सही डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। अब ये गलनांक वाले क्वेश्चन बड़े परेशान कर रहे हैं, बताइए कौन से तत्व का गलनांक सबसे कम है, जिंक का, टाइटेनियम का, सल्फर का या फ्लोरीन का, कौन ऐसा तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम है, जिंक, टाइटेनियम, सल्फर या फ्लोरीन। जिंक, टाइटेनियम, सल्फर या फ्लोरीन, किसका गलनांक सबसे कम है, जल्दी से बताइए इनमें से। यस सर, ओके, बी बोल रहे हैं, विक्की बी बोल रहा है, कानाजी राधा जी आप ए बोल रही हैं, रंजना शर्मा जी सी ऑप्शन, प्रिंस डी ऑप्शन, हिमांशु जी डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन, विक्की अगेन, शुभम बना डोंट नो,
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, फ्लोरीन होगा। तो इन तत्वों में से फ्लोरीन का गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। आप देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक जो 9 है और पीरियोडिक टेबल में ये फ्लोरीन यहाँ पर है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव या फिर मैं बोलूँ रिएक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन की बात ही निकली है तो हम पूरी बात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर इसका एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक वेट जिसे कहा जाता है, तो 18.998 के समथिंग होता है, यानी कि लगभग 19 के बराबर। ठीक है, अब ये जो है फिजिकल स्टेट 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखें तो गैसियस स्टेट में रहता है ये। ठीक है, गैस होती है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक है। अब बताइए इनमें से किसका सबसे कम गलनांक है, आयरन, नाइट्रोजन, आयोडीन या लेड। क्या इसका सही आंसर होगा, आयरन का, नाइट्रोजन का, आयोडीन का या लेड का, किसका सबसे कम गलनांक है इन सब में से। आयरन का कम है, नाइट्रोजन का कम है, आयोडीन का कम है या लेड का कम है। जल्दी से बताइए, कान्हा जी, राजा जी डी बोल रही हैं, इसके बाद में डी, रंजना जी बी ऑप्शन बोल रहे हैं, सोनू गांगुली वाइंस सी ऑप्शन आप बोल रहे हैं, आयोडीन, 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 डी डी डी, बी आप बोल रही हैं, रंजना जी बी बोल रही हैं, नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, बिल्कुल रंजना जी आपका आंसर सही है। तो इनमें से जो सबसे कम गलनांक वाली अगर गैस देखें तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, तो ये आपका नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, नाइट्रोजन की बात निकली है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, मास इतना नहीं पूछा जाता है, एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का जो होता है वो 7 होता है, उसके बाद में एटॉमिक वेट जो होता है इसका इससे लगभग डबल यानी कि 14 होता है। क्रिस्टल लाइन इसका स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन का। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखें 20 डिग्री सेल्सियस पे या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फिजिकल स्टेट इसकी, तो ये गैस होता है। ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है ये, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जो वायुयान रहते हैं जैसे एरोप्लेन वगैरह, तो उनके टायर्स में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि ठंडी होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बस्टिंग से बचाती है उनके टायर को, तो ये गैस हम उनके टायर्स वगैरह में फिल करते हैं। तो कुछ फिर से टेक्निकल इशू, चलिए आ गया वापस। अब आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। फिर से कम गलनांक, गलनांक वाले बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका है, हीलियम, पोटेशियम, टंगस्टन या सल्फर। चार्ट देंगे आपको एक दिन निकालकर, तो रट लेना बैठ कर, और क्या करोगे। हीलियम, पोटेशियम, टंगस्टन और सल्फर, जल्दी से बताइए ए बी सी या डी, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होगा, हीलियम, पोटेशियम, टंगस्टन या सल्फर। इसका आंसर बताइए ए बी सी या डी। तो प्रवीण बोल रहा है ए, मिशन, अच्छा प्रीति जी बोल रही है सर ये, घर्षण के दौरान टायर फटता नहीं, नहीं क्योंकि वो स्ट्रेंथ रहती है ना उसमें, इतनी नहीं फटता है, फट जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा भैया। क्या इसका सही आंसर होगा, ए बी सी या डी, हीलियम। ए बोल रहे हैं आप लोग, ए बोल रहे हैं। आज के क्वेश्चन अजब है, हाँ थोड़े से अजब है। ठीक है, तो डी 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 ऑप्शन आप बता रहे हैं, डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है वो हीलियम होगा, ए। तो इनमें से जो तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम है वो हीलियम है। पोटेशियम का ज़्यादा होता है, टंगस्टन का भी और सल्फर का भी, हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। यहीं आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर देखें इसका एटॉमिक नंबर भी तो 2 होता है, और अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक मास और ये चीज़ें होंगी ये भी कम ही होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे अगर अंदाज़ा भी लगाना हो तो हीलियम सही बैठेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हीलियम आप देख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक वेट जैसा मैंने बताया 4 के समथिंग है, 4.003। सिंबल इसका एच ही होता है। इसके बाद में अगर देखें क्रिस्टलाइन इसका भी स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद में फिजिकल स्टेट की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी गैसियस फॉर्म में होती है, हीलियम गैस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, अच्छा सोनू गांगुली वाइंस, नेक्स्ट देखते हैं। तांबे
आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लीजिए, और इसमें ऐसे घूर्णन कर रही है, ठीक है, घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के बाद होगा, मतलब कि ये जो कॉइल है वो कितनी बार ऐसे रोटेट करेगी तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में चेंज होगा। समझ गए क्वेश्चन? एक कॉइल है कॉपर की जो कि रेक्टेंगुलर है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब इसमें कितने रोटेशन के बाद में इसमें करंट का फ्लो चेंज होगा, ये आपको बताना है। दो रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन, जल्दी से बताइए। आधे घूर्णन के बाद में, पूरे घूर्णन के बाद, दो कंप्लीट साइकिल के बाद में, या फिर 1/4 साइकिल के बाद में, ए बी सी या डी, एक घूर्णन, एक घूर्णन, एक घूर्णन, सी वन आधा घूर्णन। तो जो जो लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं, प्रवीण सी ऑप्शन बोल रहा है, सोनू सी ऑप्शन, रंजना शर्मा जी सी ऑप्शन बोल रहे हैं, उसके बाद में विक्की बी बोल रहा है, अंजलि जी नहीं पता सर, ओके कोई बात नहीं, शुभम बना सी ऑप्शन बोल रहे हैं, कानाजी राधा जी सी 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 सी, जो जो लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है भाई। हाफ साइकिल के बाद में करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके बाद में अब ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होती है, जल्दी से बताइए। नियोन की तुलना में कौन ऐसा है जिसकी परमाणु संख्या अधिक होती है, जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी। ऑक्सीजन होगा, मैग्नीशियम होगा, नाइट्रोजन होगा या बोरोन होगा, ए बी सी या डी, अब तो बता देंगे। बहुत अजीब क्वेश्चन है, हाँ आज थोड़े से अजीब है, कोई बात नहीं, इनको भी टॉलरेट कीजिए आप। हिमांशु 15 बी श्योर, ठीक है हिमांशु, बी यानी मैग्नीशियम, देखते हैं, तो हिमांशु जी बोल रहे हैं बी। रंजना शर्मा विक्की बोरोन बता रहा है, भाई अभी कल से हम लोग पढ़ रहे हैं विक्की, कितनी बार मैंने एटॉमिक नंबर सबके बता दिए, कल भी बताया था मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, अब नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो होता है आप बोल रहे हैं 10 होता है, ठीक है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 12 होगा ना भैया आंसर, तो बी वाला जो है वो सही आंसर है, नियोन की तुलना में अधिक परमाणु संख्या जो है वो मैग्नीशियम की, थोड़ा सा याद रखो भाई। सोडियम का अगर पूछे तो 11 होता है ना, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, अगर 26 की बात करें तो ये Fe का होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब ध्यान, ऑक्सीजन का 8, ये अब सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते, मैग्नीशियम आपसे बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सिंबल जो है वो Mg है, इसके बाद में इसका नाम देख लिया, मैग्नीशियम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। एटॉमिक वेट की बात करें तो 24 होगा, इसके बाद में ये फिजिकल स्टेट जो होता है सॉलिड पाया जाता है, मतलब सॉलिड होता है मैग्नीशियम, और ये स्ट्रांगली बेसिक होता है, मतलब नेचर में कैसा होता है, बेसिक यानी क्षारीय होता है। चलिए अगला देखते हैं, सारी प्रॉपर्टी हम इसीलिए मैं बार बार फोटो लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ये ऐसा रहता है, कभी भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। एसिनोनिक्स जुबेटस, एसिनोनिक्स जुबेटस रिक्त स्थान का वैज्ञानिक नाम है, एसिनोनिक्स जुबेटस किसका वैज्ञानिक नाम है, अब बताओ मजा आएगा, किसका एसिनोनिक्स जुबेटस वैज्ञानिक नाम किसका है, ए बी सी या डी। चीता चीता चीता, फटाफट से आंसर आना शुरू हो गए, चीता, कौन बोल रहा है चीता, विक्की बोल रहा है चीता, मिशन यस सर ओके, नीता मालविया जी आप सी बोल रही हैं चीता, प्रवीण ए बोल रहा है भालू, बियर नहीं, बियर नहीं, रंजना शर्मा जी जेब्रा नहीं, जेब्रा का तो कल ही देखा था हमने, एक्वस से स्टार्ट होता है ना वो, तो ये कैसे हो गया, जेब्रा तो नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है चीता। जो जो लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो हिमांशु जी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, शुभम बना सी, फिर सी, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, भालू वालू कुछ नहीं होगा भाई, तो यहां पे सी ऑप्शन सही है, एसिनोनिक्स जुबेटस जो है वो चीता का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तो चीता का साइंटिफिक नेम क्या है, एसिनोनिक्स जुबेटस, अब आप कैसे भी याद रखिए जुबेटस चीता, कैसे भी कनेक्ट कर लीजिए इसको, बस याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं, केकड़ा रिक्त स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, केकड़ा जो होता है वो कौन से समूह के अंतर्गत आता है, कौन से फाइलम में आता है ये बताइए, मोलास्का में आता है, निडेरिया में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है या प्लेटी हेलमेंथिस में आता है, केकड़ा किस में आता है जल्दी बताइए, ए बी सी डी, मोलास्का या ऑर्थोपोडा या प्लेटी हेलमेंथिस, केकड़ा किस में आता है, सी 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 सी, ऑर्थोपोडा आ रहा है आंसर,
प्रिंस वाजपेयी जी आप सी बोल रहे हैं, विक्की सी बोल रहा है, रंजना जी शर्मा ए बोल रही है, सोनू टिकम सी ऑप्शन बता रहा है, विक्की जाटवा जी सी ऑप्शन, विक्की जाटवा सी ऑप्शन, उसके बाद में बी और डी दोनों स्टार्ट होते हैं, 21 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा इसका आंसर बताइए 17 वाले का क्या होगा, सी सी सी। तो जो जो लोग सी बोल रहे हैं ऑर्थोपोडा, वो लोग ना बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही है, ऑर्थोपोडा इसका सही आंसर होगा। तो क्रैप्स जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केकड़ा भी कहा जाता है, तो आप बताइए, आपको ये बताना था किस समूह से बिलोंग करता है, तो ये जो है ऑर्थोपोडा समूह से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है ऑर्थोपोडा इसका। चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, इनका क्लासिफिकेशन। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। अब यहां पे दो तरह के एनिमल के आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेट्स, तो ये वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स का हिंदी मतलब होता है कशेरुकी, ठीक है, और इन वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है अकशेरुकी, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कशेरुकी और अकशेरुकी का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। अकशेरुकी यानी कि ऐसे जानवर जिनकी जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है, अकशेरुकी होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी में भी दो क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, यानी कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब यहां पे आपसे पूछा जाता है कौन कोल्ड ब्लडेड है और कौन वार्म ब्लडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी एनिमल होते हैं ये रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है कशेरुकी, वो थोड़े फुर्तीले होते हैं और इस टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मैमल्स आते हैं जैसे चीता वीता ये सब, उसके बाद में फिश आ जाएगा, इसके पांच पार्ट आप देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स के, पांच पार्टी क्लासिफिकेशन वापस से है, मैमल्स, बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स और उसके बाद में एम्फीबियंस, ठीक है, जिसमें मेंढक वगैरह सब आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसके आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे वर्गीकरण दे रखे हैं, पोरीफेरा आता है, प्लेटी एलमेंथिस होता है, एनिलिडा होगा, उसके बाद में मोलास्का होगा, इकाइनोडर्मा होगा और ऑर्थोपोडा होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थोपोडा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा में ये केकड़ा और ये सारी चीजें आती है, ठीक है, झींगा भी इसी के अंदर आता है, तो ये आपको सारी चीज ध्यान रखनी है। तो हमने क्या देखा था, ऑर्थोपोडा, ठीक है, तो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है ये केकड़ा हो गया या स्पाइडर आप देख रहे हैं, इसके बाद में इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, है ना, और ये झींगा वगैरह जो होता है ये सब ऑर्थोपोडा में आते हैं, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अगला देखते हैं, झींगे किस परिवार से होते हैं, अरे अभी बता दिया मैंने, अच्छा हाँ, क्रस्टेशियन होता है, मछली होता है, एम्फीबियंस होता है या रेप्टाइल्स होता है, जल्दी से बताइए झींगा किस परिवार से होता है। अब थोड़ा सा इसका नाम चेंज करके उन्होंने पूछ लिया, क्रस्टेशियन होगा या फिर मछली होगा, एम्फीबियंस होगा या रेप्टाइल्स होगा, सही आंसर बताइए, ए बी सी या डी। डी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स नहीं होगा रंजना जी, झींगा किस परिवार से होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा, कहां से होगा झींगा, ए क्रस्टेशियन, ए ए, ज्योति जी डी बोल रही है, और बताइए आंसर बताइए, रंजना शर्मा जी बी आप बता रहे हैं, प्रीति जी बी आप ऑप्शन बता रही हैं, उसके बाद में हिमांशु जी ए ऑप्शन बता रहे हैं, प्रवीण ए ऑप्शन बता रहा है, रंजना शर्मा जी बी ऑप्शन, सोनू गांगुली जी ए ऑप्शन। तो क्रस्टेशियन जो होता है ना, आप यहां देखिए ये क्रस्टेशिया लिखा हुआ है, ये क्रस्टेशिया मतलब झींगा, ये किस में आ रहा है, ऑर्थोपोडा में, तो ऑर्थोपोडा के अंदर देखिए क्रस्टेशिया होता है और क्रस्टेशिया के अंदर जो होता है ये झींगा वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो झींगा है कौन से परिवार से, क्रस्टेशिया, तो क्रस्टेशियन जो है इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। तो जो भी आप लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सोरिया लेजर टॉयडी, सोरिया लेजर टॉयडी किसका वैज्ञानिक नाम है, मगरमच्छ का, हिप्पोपोटामस का, छिपकली का या फिर घरेलू मक्खी का, सोरिया लेजर टाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है, मगरमच्छ, हिप्पोपोटामस, छिपकली या घरेलू मक्खी, ए बी सी या डी, क्या इसका सही आंसर होगा जल्दी से बताइए, सी छिपकली, सी छिपकली आप बोल रहे हैं, लिजार्ड बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं, रंजना शर्मा जी आप ए बता रही है, प्रवीण ए बता रहा है, विक्की सी बता रहा है, उसके बाद में प्रतीक जी आप ए ऑप्शन बता रहे हैं, रंजना शर्मा ए अगेन, प्रवीण मंदावदी, प्रवीण ए बता रहा है, आरती जी आप कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है छिपकली। तो जो जो लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं यानी कि लिजार्ड बता रहे हैं, छिपकली बिल्कुल सही है। तो सोरिया
लेजर टाइडी। अब देखो मेरी बात सुनो, सोरिया आप ये ध्यान रख सकते हैं, सोरिया से मतलब है सोना, तो जो भी सोरिया है तो फिर उसको चिपकली से डरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सोते समय चिपकली का बहुत ज्यादा भय रहता है, जो भी कोई सोरिया है चिपकली का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको ये कभी आप भूलेंगे नहीं, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो जो भी कोई सोरिया है चिपकली का ध्यान रखेगा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं, हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन सोरिया है तो चिपकली का ध्यान रखना। अगला देखते हैं, जय हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एटेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरियल एटेलिस का, अच्छा तुम वीडियो देख रहे हो, ओरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है जल्दी से बताइए। ओरियल एटेलिस का वैज्ञानिक नाम है, मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है ओरियल एटेलिस? गिलहरी, गोरैया, लिजार्ड वापस से, या फिर मकड़ी बंदर? ओरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, शायद ही बनेगा किसी से। ओरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? खतरनाक बिल्कुल, 20 का ए गलत है। डी, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, ये डी तुक्का मारा या पता था, प्लीज कमेंट करके बताइए। 20 का डी, पुष्पेंद्र कुशवाहा, ठीक है, डी प्रवीण, डी डी, ठीक है, डी तुक्का, ओके। स्पाइडर मंकी, ये बिल्कुल सही है, मकड़ी बंदर का जो नाम है वो ओरियल एटेलिस है। आप देखना चाहेंगे मकड़ी बंदर कैसा दिखाई देता है, ये रहे बोस, ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इधर इधर किधर दिख रहा है, इधर ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है मकड़ी बंदर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ कम सही होंगे आज क्वेश्चन, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अलग ही टाइप के थे आज, तो आज थोड़े से लेवल को हमने उठाया और अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं स्लाइड में। तो आई होप आपको बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा एडिशनल जानने को यहाँ से मिली होगी, और ये आज की कथा हमारी जो है वो पूरी समाप्त होती है, आज की जो सभा है वो समाप्त होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑलरेडी आप प्रेस कर लिए होंगे। ये सब चीज़ों का जो PDF है वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलर पोस्ट अपलोड करते हैं। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से हाथ जोड़ करके, प्रतीक जी आपको भी, ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हम कल वापस से मिलेंगे 9 बजे, है ना, करेक्ट 9 बजे हम लोग कल फिर से इसी तरह प्रकट होंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए और सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं मिलता हूँ कल आपको 9 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।